तो प्रणाम दोस्तों, मैं हमेशा घूमता फिरता रहता हूँ, बहुत सारे भाई बहनों मित्रों से मेरी मुलाकात होती रहती है। आज एक बहुत ही अच्छे इंसान से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ। ये मेडिकल के स्टूडेंट हैं और एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे आज के युवा है वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जीते हुए, कॉलेज लाइफ जीते हुए जैसे कि मेडिकल के स्टूडेंट हैं, ये अपनी पढ़ाई करते हुए कैसे अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं। इस वीडियो से जो भी मेरे साथ भाई बहनें जुड़े हुए हैं सबको प्रेरणा मिलेगी कि कैसे हम अपनी नॉर्मल कॉलेज की जिंदगी जीते हुए भी अध्यात्म रास्ते पर चल सकते हैं। प्रणाम मुक्ता जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। प्रणाम सभी को। स्वामी जी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एक बात स्वामी जी की मुझे बहुत अच्छी लगती है, इंसान क्या करता है कि बाहर खुशियाँ ढूंढता है, शांति ढूंढता है, लेकिन अगर इंसान अंदर से शांत होगा, अंदर से समझेगा अपने आप को, तो बाहर भी आनंद और खुश रह पाएगा। मुझे स्वामी जी की एक बात और अच्छी लगी कि आम इंसान क्या करता है कि दूसरों को मतलब इम्प्रेस करने के लिए बहुत कुछ करता है, दूसरों को शौक करने के लिए, मतलब अपनी खुशी जो होती है वो रिमोट होता है, जो खुशी का रिमोट दुख सुख का इंसान दूसरों के हाथ में दे देता है कि जैसा वो चाहेगा वैसे उसे कंट्रोल करेगा। लेकिन इन्होंने समझाया कि खुद पर काम करो, हमें अपने जीवन की कहानी खुद लिखना चाहिए, किसी दूसरे को लिखने का कोई अधिकार नहीं है। एक बात और मुझे स्वामी जी से सीखने को मिली कि हम अपने जो डेली रूटीन के काम करते हुए, चाहे वो जॉब करता हो चाहे स्टडी हो, जैसे कि मैं हूँ अपने मेडिकल स्टूडेंट है, तो कोई भी हो या कोई भी अदर स्टूडेंट हो या कोई जॉब करता हो, वो अपने काम करते करते भी आध्यात्मिक पर ध्यान दे सकता है, खुद पर काम कर सकता है, मेडिटेशन कर सकता है। वो ऐसा नहीं है कि भी अगर हम आध्यात्मिक हो गए तो सब कुछ छोड़ दें, नहीं, जो हमें डेली रूटीन का काम होता है वो करते हुए भी हम आध्यात्मिक को अच्छे से समझ सकते हैं। है भी जरूरी नहीं है कि सब कुछ छोड़कर हिमालय पर जाएं, ऐसा करना कोई जरूरी नहीं है। एक बात और बताना चाहती हूँ मैं आप सभी को, इनसे जो मुझे सीखने को मिले हैं, इंसान क्या है, पैसे कमाता है, बाहर की चीज़ों को कैसे भोगता है पैसों से, लेकिन वह उसका कोई फायदा नहीं है जब तक इंसान अपने अंदर की उच्च चेतना का विस्तार नहीं करेगा, ध्यान में योग में उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेगा, उसके अलावा कोई फायदा नहीं होता। यानी कि दोस्तों, हम पैसा कमाते हैं जब तक हम ठीक है, खाना पीना एंजॉय करना बुरी बात नहीं है, बट अगर हम सिर्फ इंद्रियों के भोग के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं ना, यानी कि जब तक बाहर की सफलता अंदर की दुनिया के ऊपर इन्वेस्ट नहीं हो गई, अंदर की उस पैसे कम अंदर की दुनिया का विस्तार करने के लिए प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक सब व्यर्थ है। जैसे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी आपने देखा होगा, पैसा उनके पास बहुत है बट कैसी कैसी जिंदगी जीते हैं, उनकी जो क्वालिटी है ना, जीवन में क्वालिटी तभी आती जब हम अंदर की दुनिया का विस्तार करते हैं ना। बाहर सफलता मिल जाए वो किसी टैलेंट से मिल सकती है, बट जब तक बाहर के पैसे का प्रयोग अंदर की दुनिया के विस्तार के लिए नहीं होगा, सब व्यर्थ है। दोस्तों, मुक्ता जी के विचार आपने सुने, तो इनका भी चैनल है मुक्ता एक्सप्लोरिंग लाइफ के नाम से, सर्च करके देख सकते हो, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें आप, इनसे भी जुड़े इनको सपोर्ट करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।